स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपने स्कूल। जमात चार मजमून रियाजी। आज का सबक है वक्त की पैमाइश। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलती रहे। सबक नंबर 8, वक्त की पैमाइश। बच्चों, एक बात बताओ, वक्त बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? घड़ी देखना पड़ती है। तो चलो आज हम घड़ी देखकर वक्त किस तरह बताया जाता है, यानी वक्त की पैमाइश किस तरह की जाती है, सीखेंगे। तो चलो इसके लिए हम देखते हैं घड़ी। घड़ी देखना, यहाँ पर घड़ी देखकर हमें वक्त बताना है कितने बजे है। यहाँ पर घंटा सुई 1 और 2 के दरमियान और मिनट की सुई 6 पर है, इसलिए 1:30 हुए हैं। बच्चों, घड़ी में कुल 12 नंबर होते हैं और हर नंबर के दरमियान 5 लकीरें होती है, यानी 5 मिनट होते हैं, इसलिए मिनट सुई 6 पर है, यानी 30 मिनट हुए। क्योंकि 12 से 1 के दरमियान 5 मिनट और 1 से 2 के दरमियान 5 मिनट, इस तरह 6 तक गिनने पर 30 मिनट होते हैं, इसलिए घड़ी में 1:30 हुए हैं। अब चलो हम मश्क हल करते हैं। यहाँ पर आपको घड़ी नजर आ रही है और घड़ी के नीचे खाली बॉक्स नजर आ रहा है। तो चलो सवाल पढ़ते हैं कि इस खाली बॉक्स में हमें क्या लिखना है। सवाल है, जेल की घड़ियों में नजर आने वाला वक्त घंटे और मिनट में लिखिए। इस घड़ी को देखकर हमें नीचे वक्त लिखना है। यहाँ पर हरी जो सुई नजर आ रही है वो घंटा सुई है और लाल सुई जो है वो मिनट सुई है। पिछली घड़ी में हमने देखा कि घंटा सुई 1 और 2 के दरमियान थी और मिनट सुई 6 पर थी, तो 1:30 हुए थे। अब वही मिनट सुई 9 पर है, इसलिए कितने बजे होंगे? जब 6 पर मिनट सुई हो तो 30 मिनट होते हैं। 6 से 7 के दरमियान 5 मिनट है, 7 से 8 के दरमियान 5 मिनट, 8 से 9 के दरमियान 5 मिनट, इसलिए इस घड़ी में 1:45 हुए हैं। तो हम कहेंगे इस घड़ी में 1:45 हुए। अब देखेंगे हम दूसरी घड़ी। अब इस घड़ी में घंटा सुई 2 और 3 के दरमियान नजर आ रही है और मिनट सुई 7 पर है, इसलिए यहाँ पर 2:35 हुए। अब हम देखेंगे अगली घड़ी। अब यहाँ पर घंटा सुई 10 के आगे है और मिनट सुई 3 पर है, इसलिए 10:15 हुए। अब इस घड़ी में घंटा सुई 4 के करीब है और मिनट सुई 8 पर है, इसलिए इस घड़ी में 3:40 हुए। अब हम देखेंगे अगली घड़ी। इस घड़ी में मिनट सुई 2 पर है और घंटा सुई 7 पर है, इसलिए 7:10 हुए। अब देखेंगे दूसरी घड़ी। अब इस घड़ी में घंटा सुई 3 के बिल्कुल करीब है और मिनट सुई 11 पर है, इसलिए 2:55 हुए। अब हम देखेंगे अगली घड़ी। इस घड़ी में देखिए घंटा सुई 10 के करीब है और मिनट सुई 8 पर है, इसलिए 9:40 हुए। अब हम देखेंगे अगली घड़ी। यहाँ पर घंटा सुई 12 के आगे है और मिनट सुई 5 पर है, इसलिए 12:25 हुए। अब यहाँ पर आपको बगैर सुइयों वाली घड़ी नजर आ रही है। तो चलो पढ़ते हैं सवाल कि हमें क्या करना है। सवाल है, नीचे दिया हुआ वक्त पढ़िए और दिखाइए कि सुइयां किस मुकाम पर होंगी। घड़ी के नीचे वक्त दिया हुआ है 5:10। अब हमें बताना है कि सुइयां कौन से नंबर पर होंगी। 5:10, इसलिए घंटा सुई 5 पर होंगी और 10 मिनट हुए हैं, इसलिए मिनट सुई 2 पर होंगी। अब घड़ी में दिखाई दे रहा है 5:10 हुए। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल। यहाँ पर भी आपको नीचे वक्त नजर आ रहा है 12:15। अब हमें यहाँ पर भी बताना है कि सुइयां किस मुकाम पर होंगी। कितने बजे है? 12 बजे है, इसलिए घंटा सुई 12 के आगे और मिनट सुई 3 पर होंगी। 12:15। अब हम देखेंगे अगला सवाल। इस घड़ी के नीचे वक्त दिया हुआ है 8:35, चूँकि 8 बज चुके हैं इसलिए घंटा सुई 8 के आगे होंगी और 35 मिनट, इसलिए मिनट सुई 7 पर होंगी। 8:35। अब हम देखेंगे अगला सवाल। अब ये है आखिरी सवाल। यहाँ पर वक्त दिया हुआ है 4:25, चूँकि 4 बज चुके हैं इसलिए घंटा सुई 4 के आगे होंगी और 25 मिनट है इसलिए मिनट सुई 5 पर होंगी। 4:25। अच्छा बच्चों, अब आपको घड़ी देखकर वक्त किस तरह बताया जाता है, यानी वक्त की पैमाइश किस तरह की जाती है, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।